नमस्कार किसान भाइयों, मैं भगवान राम, एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट, कृषि जागरण। मैं अभी ये महिपाल जी के खेत में आया हूँ। इन्होंने सतावरी लगा रखी है। सतावरी के बारे में हम इनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, जो आपके लिए भी शायद फायदेमंद हो सकती है। चलो आइए इनसे बात करते हैं। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। हाँ जी, मेरा एक निवेदन है कि जो ये अपनी मेटबंदी है उसमें ये सतावरी लगा दो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें फायदा भी रहेगा, किसानों को बहुत फायदा रहेगा। पानी भी नहीं देना पड़ेगा, बेल आकार में रहती है। मेहरबंदी हो, तारबंदी हो, उसमें आप तार बंदी हो, उसमें पशु भी नहीं आएंगे। और आपने कितने दूर में लगा रखी है ये? 150 फुट में लगा रखी है ये? करीब 300 फुट में लगा रखी है मैंने। 300 फुट में लगा रखी है, फिर भी आज भी बढ़ावा देना चाहता हूँ मैं इसका। ये जड़ी बूटियों में काम आती होगी दवाइयों में? करीब देसी दवाइयों में एक पेड़ में 4 किलो सतावड़ निकलती है। एक पेड़ भी नष्ट नहीं करना है। 4 किलो? हाँ, पेड़ भी नष्ट नहीं करना है। कई नर्सरी वाले बोलते हैं कि पेड़ ले जाओ और 18 महीने में निकाल लो, लेकिन मैं ये कहता हूँ 18 महीने में मत निकालो किसान भाइयों। 12 महीने बाद में निकालो, उसमें इसकी जड़ छोड़ दो, थोड़ी 2-4 रीप छोड़ दो, ये तो ये दोबारा तैयार हो जाएगी और दूसरी साल ज्यादा उत्पादन देगी। ये लाइफ टाइम चलने वाली है और ज्यादा इसमें कोई ज्यादा इसमें खर्चा भी नहीं है। ज्यादा खर्चा भी नहीं है, ज्यादा कुछ मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी पड़ती, मेहनत भी ज्यादा नहीं है, खर्चा भी नहीं है। और इसको जनवरी जगह की भी जरूरत नहीं है, जनवरी फरवरी में इसको निकाल लो। जगह की ज्यादा जरूरत नहीं है, जगह की ज्यादा जरूरत नहीं है। तारबंदी है, तारबंदी के साथ साथ में उन्होंने तारबंदी भी लगा रखी है। बहुत अच्छी तरीके से खेती कर रहे हैं। एक बजाव है कि किसान है प्रगतिशील किसान। हाँ, हरी जी नाम है उनका। हाँ, वो भी ले जाके लगाई थी। अच्छा, मेरी राय लेके मेरे से ले जाके लगाई थी। कैसा रिजल्ट है उनका? उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है, अपनी गायों को दे रहे हैं। गायों के लिए अच्छी है। 20 गायें हैं, 20 गायों को सतावर खिलाते हैं। बीमारी बीमार नहीं होती उनकी गाय। देखो, ये गायों के लिए भी ये स्वास्थ्यवर्धक है, गायों को खिलाने से बीमारी कम आती है गायों में। ये अश्वगंधा है, ये देखो, ये अश्वगंधा है। ये क्या काम आता है? ये वायु विकार में काम आता है। वायु विकार में काम आता है, पशु के बादी होती जाती है ना, वो बादी नहीं होती। पशु के लिए ये भी अच्छा है। हाँ, पशु को खिलाओ, पशु के लिए ये अच्छा है। कभी पशु बीमार नहीं होगा। 1 किलो अश्वगंधा पशु को खिला देंगे ना तो पशु बीमार नहीं होगा कभी। चलो, ये भी पशुओं के लिए अच्छा है, पौष्टिक तत्व है। तो किसान भाइयों, आप भी अश्वगंधा और ये सतावरी लगा सकते हो पशुओं के लिए, और ये मार्केट में भी बिकता होगा। मार्केट में बिकता है, आसानी से बिक जाएगा। ज्यादा खेती आप करना चाहें तो कर सकते हो, इसमें भी आपको आमदनी होगी। किसान भाइयों, देखते रहिए कृषि जागरण, नई नई जानकारी के लिए धन्यवाद।